और तुम जाग रही हो? जी सोए नहीं अभी? मैंने कहा आज आप व्लॉग स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली तुम सो जाती हो ना, ना। तो इसलिए एनीवे वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मैं अभी एंटर हुआ हूँ, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आया हूँ। इतनी ट्रैफिक थी कि इवन मैं लेट हो गया हूँ। आज आई थिंक बच्चों का लास्ट डे है, तो शायद इस वजह से ट्रैफिक थी। तो अब मैं जल्दी से अपना लंच पैक करूँगा और आई रन माय बैक टू माय वर्क। तो आपसे इवनिंग में बात होगी विद कैरियर बैग, क्योंकि आज भी कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की चीज़ें हैं जो करनी है मैंने शॉपिंग। तो सना जो है कंटिन्यू करेंगी उस वक्त तक अपना व्लॉग, तो आपसे इवनिंग में मुलाकात होगी। सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैंने अपना खाना जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं मैंने आलू और गोभी मसाला भून कर जो है वो डाल दिया। अब ये खुद ही हल्की आंच पर जो है वो बनती रहेगी। घर के सारे काम फिनिश करने के बाद मैं गई बैंक, बैंक के काम फिनिश किए और फिर जनाब मैंने अपनी आईलैश एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट बनाई। उसके बाद मुझे टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे। हानिया और हुज़ैफ़ा कह रहे थे कि भी क्रिसमस आ रही है तो टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, तो मैंने यहाँ से लिए कार्ड फैक्ट्री से गिफ्ट बैग टीचर्स के लिए। फिर मैं गई आइसलैंड, यहाँ पे मैंने देखा कि कोई चॉकलेट्स वगैरह टीचर्स के लिए लेते हैं, और मैंने जब यहाँ पर देखा मुझे कोई चॉकलेट समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी चॉकलेट्स लूँ। फिर इसी तरह पूरे स्टोर में राउंड सर्कल मैं वॉक करती रही, फिर मुझे फाइनली ये अच्छी लगी चॉकलेट्स, फिर ये मैंने बाय कर ली। जी तो फिर मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, वहाँ से कुछ मुझे कुछ पार्सल जो है वो पोस्ट करने थे। पोस्ट करने के बाद फिर मैं गई शॉप पर, ऑस्टर में टॉपअप करवाना था। बहुत ज़्यादा रश था बाहर, ऐसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया सारी आवाम आज बाहर आ गई है, जबकि इतनी सर्दी थी इसके बावजूद बहुत क्राउड था। तो गाइस बच्चों को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है, और हुज़ैफ़ा आपने टीचर को गिफ्ट दे दिए अपने, हानिया आपने दे दिया गिफ्ट टीचर को, और आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है ना। आपको भी टीचर ने गिफ्ट दिया है, तो आप टीचर की फेवरेट स्टूडेंट हो ना। चॉकलेट भी मिला, कार्ड भी मिले। टीचर कह रही थी हानिया स्टार ऑफ द वीक बनती है ना, ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। चॉकलेट। चलो आप घर जाके शो करो कि मुझे क्या दिया टीचर ने आपको। ओके चलो। वाह नाइस। तो गाइस बच्चों को स्कूल से घर ले आई हूँ मैं। आप देख रहे होंगे जैसा कि मेरा गला बहुत खराब है, आवाज नहीं निकल रही है। अब ये जो गला खराब होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही जाता है। सब टोटके कर लिए, सब मेडिसन्स खा ली, लेकिन ये जो गला खराब है ये अपने टाइम से ही जाएगा। और ये देख सकते हैं आप गाइस के हानिया क्या कर रही है। हानिया आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको शो करना था कि मेरे फ्रेंड्स को टीचर ने क्या दिया था। आज फिर आपको क्रिसमस गिफ्ट मिले हानिया जी। क्या मिला आपको? बंजे पहले ये कलर में मेरा मिला है। वाह और टीचर ने का चंदन लगा है। वाह डियर हानिया, विशिंग यू अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मिस केली। और इसके अंदर है सम चॉकलेट्स, स्लाइम। Oh, slimes! I don't like slimes. Well, or soft rub. आपने अपने हेयर्स पे नहीं लगानी है हानिया? Or rubber. अच्छा, okay. Listen to me. Slimes अपने हेयर्स पे नहीं लगानी जिस तरह आपने लास्ट टाइम लगाई थी, okay? Or rubber. और ये वाला बैग में ये। चलो good. चलो आप enjoy करो। और नहीं. Some book. Okay. नहीं। हुज़ैफ़ा आपको ये color sheets मिली है? जी। और मेरा important thing. जो है इम्पोर्टेंट थिंग मेरे पास है, मेरे पास है ये शीट। अब आप कलर करोगे हुज़ैफ़ा? इसको आप ना लेकर जाना होटल में, जब हम आउटिंग करने जा रहे हैं ना होटल में, तो आप उधर वहाँ पे कलरिंग करना है इसकी। और मामा मेरे पास ये है, ये रखो, ये जो मैं वाइट कर सकता हूँ। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो गाइस मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ एक एप्पल खाया था मैंने, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। बाहर गई, सारे घर के काम किए और बच्चों को स्कूल से पिक किया, और अब
फोर ओ क्लॉक हो गए इवनिंग के, तो अब भूख बहुत ज्यादा लगी है अचानक से मुझे, तो मैंने सोचा जो रात को नान बचा था थोड़ा सा, उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके जो है स्पिनिच के साथ खाती हूँ, क्योंकि जब नान बच जाते हैं उसको नेक्स्ट डे अगर आप फ्राई करके खाए तो उसका क्या ही बात है। तो देखे जी हमारा जो नान है वो बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। सो गाइस देख सकते हैं आप बहुत मजे की स्पिनिच और ये नान, मैं खाऊंगी इसको बहुत मजे के साथ क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं बना रहा हूँ जो मैंने आपने अपने ये आर्म्स पे क्या लगाया हुआ है? ये कैटू। कैटू जी? कैटू। कैटू क्या होता है? वो कभी भी उठेगा नहीं, क्रैप नहीं होगा। ओ वाह नाइस ब्यूटीफुल, एल्टन टावर बन रहा है जी। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. यहाँ हानिया कुरान की क्लास लेने के लिए बैठी हैं, बट यहाँ पे आई थिंक कारी साहब का इंटरनेट नहीं आ रहा है और स्काइप पर कॉल नहीं हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा है हानिया आपकी क्लास कैसे होगी? व्हाट्सएप पर कर लें क्लास? नहीं नहीं, नहीं व्हाट्सएप पर क्लास कर लें आपकी कुरान की? नहीं। तो गाइस साकिब आ चुके हैं और साकिब देख रहे हैं कि मैं किधर हूँ और उनको नहीं पता कि मैं बेडरूम में आराम से बैठी हुई हूँ ब्लैंकेट लेकर। ये क्या लाइट्स ऑफ करके बैठे हुए? हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे हो? हाँ। आई नींद नहीं पूरी हुई सुबह? नहीं मैं कब सोई हूँ बच्चों को स्कूल भेज के। अच्छा तो और क्या, तो सुबह हो गए थे सारे काम? सारे काम हो गए थे और रात को भी मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी, पूरी रात में कफ करती रही हूँ। आप तो बड़े मजे से खराटे मार रहे थे। नहीं तो मेरा भी तो गला खराब हुआ था ना पहले। क्या हुआ तुम्हारी बारी? वैसे ही तो वो बच्चों का वो बच्चों की वो टीचर्स के लिए चॉकलेट्स ले ली थी। लेनी थी, दे भी थी। दे दी? हाँ। क्या टीचर क्या कह रही थी? बस हैप्पी हो रही थी, हग कर रही थी बच्चों को। आप फिर वो इतना सारा सामान लेकर आ गए, वो पीछे नजर आ रहा है। वो मैंने बताया था कि सुबह कि मैं जब आऊंगा काम से तो मेरे पास फिर अच्छा कुछ ना कुछ होगा। कल का क्या प्लान है जरा बताओ मुझे, क्योंकि मैंने ग्रोसरी इसलिए की है कि टॉप अप किया मैंने। मैं पूछ रही हूँ कल का क्या प्लान है? कल सैटरडे है। कल का प्लान है कि सुबह आराम से उठेंगे। अच्छा फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे कोई देसी वाला। नहीं तो विंटर वंडरलैंड का इरादा नहीं है फिर? अगर वो गए जाएंगे तो वो आई थिंक संडे चलते हैं। संडे को नहीं जा सकते क्योंकि आपने मंडे को जॉब पे जाना है, बच्चों का ऑफ है, आप तो थक जाओगे। चलो बताना मुझे फाइनल करके। चलो फाइनल करके सोचते हैं फिर बताते हैं। आप फ्रेश हो कपड़े वगैरह? हाँ मैं फ्रेश होके तो फिर मैं आता हूँ। जी गाइस ये रात का डिनर रेडी हो रहा है। डिनर रोटी सालन तो बन गया हुआ है। सालन बना लिया था तो अब रोटी। इलेक्ट्रिक चूल्हे का यही प्रॉब्लम होता है कि उसका पहले खड़े होके वेट करो कि तवा कब गर्म होगा। लेकिन ये बात है एक दफा गर्म हो जाए तो वो काफी देर तक फिर वो पता कितनी देर से चलाया और देखो हाथ रखा हुआ मैंने। हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो खैर ये मैंने क्योंकि अभी नया कुकर चेंज किया तो अब तो क्विक होना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि आपसे ना मैं मूली मंगवा लूं, मैंने कहा चलो मूली के पराठे खाएंगे। अच्छा फिर मेरे जहन से निकल गया जब आपका फोन। नहीं मैंने जब कॉल किया था मैंने कहा था कुछ चाहिए तो नहीं, तुमने कहा नहीं टाउन से कुछ नहीं चाहिए तो मैं फिर मेरे ना माइंड से निकल गया फिर मैं ऐसा चला गया। तो हमने लास्ट वीक तो लेकिन एक और नहीं लेकिन हम नहीं खा सकते, गला खराब है उसमें ऑयल, अभी गले बहुत खराब है उसमें तो ऑयल के बगैर तो वो मजा नहीं आएगा। अब मेरा दिल कर रहा था कल समोसे लाने को ना पकौड़े, तो वो मैंने जब सोचा कि मेरा गला खराब है मैंने कहा नहीं, ऑयल होता उसके अंदर भी, परहेज कर करके थक गए लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा। चलो आप अपने काम करो फिर इंशाल्लाह। ओके गाइस आई थिंक आज का ब्लॉग इतना ही काफी है क्योंकि हम आप देख सकते हैं मेरी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, मेरा गला खराब है तो बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज गाइस।